मैं नबील अहमद फिर से आपके सामने हूँ, एडीजेसी सुपरवाइज़र, और आपके सामने आज मैं ये हमारे ट्रेन ऑपरेटर हैं और ट्रेन इंस्पेक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्या क्या ट्रेन इंस्पेक्शन में रिक्वायरमेंट होता है और क्या क्या हम मेक श्योर कर सकते हैं एज ए बेइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल, हम लोग क्या क्या मेक श्योर कर सकते हैं। तो आपका क्या नाम है? सफदर अली सर। देखें, जब भी आप ट्रेन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो आप पहले जब स्टार्ट करते हैं तो मेक श्योर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आउटरिगर देखें, ये आउटरिगर है, आउटरिगर फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक है। ये पैड आपका प्रॉपर होना चाहिए, जो लैंड का, जो ज़मीन का जो ये कंपैक्शन वो भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से ये टायर का कंडीशन भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इधर देख लें, ये बूम है, ठीक है। ये बूम कितना मीटर का है? ये 45 मीटर का ये बूम है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो कंपास जो देख रहे हैं, ये एंगल शो करता है, पता है ना, ये एंगल शो करता है, ये आपका कि 50 पे जा रहा है, 60 पे जा रहा है, 80 से आपका ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जब आप क्रेन ऑपरेटिंग करने से पहले, सेटअप करने से पहले, आप कोई भी हाइड्रोलिक भी चेक कर सकते हैं, कोई हाइड्रोलिक लीकेज तो नहीं है, कोई ऑयल तो लीकेज नहीं है। उसके हिसाब से इसमें कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इस तरफ आपका जो वायर आया हुआ है, स्लिंग्स आया हुआ है, ये केबल ड्रम्स है यहाँ पे, जो ड्रम्स में जो रैप होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो सेफ SWL को मेक श्योर करना है कि आपका सेफ वर्किंग लोड कितना है। सेफ वर्किंग लोड आपका जो हुक है, हुक पे आपका मेंशन होगा, ठीक है, कितना हुक है। हुक का लैचेज भी आप देख सकते हैं, हुक लैचेज है, वो भी कंपोनेंट्स है आपका। आपका एनीमोमीटर एक लगा हुआ है ऊपर में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर ये जो ब्लॉक है, हुक ब्लॉक जो भी आपको शो करना चाहेंगे, वो हुक ब्लॉक है, जो भी कंपोनेंट्स है जो आपको चेक करना होगा, ठीक है, कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। और उस तरह से जो हुक है, हुक का जो लैचेज है, लैचेज खास कर आप मेक श्योर करें। बैटरी मेंटेनेंस का भी आप चेक करें, ठीक है, कि मेंटेनेंस जो है वो 2000 कितना है, 2000 आवर में आपका मेंटेनेंस प्रॉपर है कि नहीं, उसका रिकॉर्ड है कि नहीं, वो भी मेक श्योर करें। उसके बाद अगर ये ऑपरेटर है तो आप अपना चेकलिस्ट वो पहले फिल करें, जो रिगर है वो अपना चेकलिस्ट फिल करें, जो भी रिगिंग आइटम्स है, जितना भी रिगिंग आइटम्स आप देख रहे हैं, इधर आ जाए, जो रिगिंग आइटम है उसको आप आइडेंटिफाई करें कि कितना टन का है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये लिफ्ट करें, आप जो लोड कर रहे हैं उसके हिसाब से आप जब ऑपरेटिंग करने जा रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें, जो आप ऑपरेटर हैं आप मेक श्योर क्या लेंथ है, ठीक है, मटेरियल कहाँ से पिक करना है, कहाँ रखना है, ये मेक श्योर करें। जो आपका रेंज डायग्राम भी आप चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से कितना एंगल है, कितना लेंथ है, ऐसा ही है ना। उसके बाद फिर आपका जो लोड चार्ट है, लोड चार्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस एंगल में, इस रेडियस में, इस लेंथ में क्या आपका मतलब है, कितना लोड आ रहा है, ठीक है। आपका रिगिंग जितना भी पार्ट्स है, जितना भी रिगिंग आइटम है, आपका गुड कंडीशन में होना चाहिए। अगर ये डैमेज है, क्रैक है, आप यूज़ ना करें, ठीक है, इधर आ जाए। ये आप देख सकते हैं, ये ऑपरेटिंग है, ये ड्राइविंग केबल है, ये आपका ये ऑपरेटिंग केबल है, ठीक है। और इधर आ जाइए, एक सेंटर में आप देख रहे हैं, ये भी लोड बेयरिंग करने का ये आपका जैक है, ये भी जब एट द टाइम ऑफ द लिफ्टिंग दैट मस्ट बी द यूज एंड फुली एक्सटेंड। इधर आ जाए, इधर ये देखें, ये लोड आपका हुक पे, या वो मेन हुक हो या फिर ऑक्सिलरी हुक हो, दोनों पे ये आपका लोड मेंशन होना चाहिए, ठीक है। NT2 ब्लॉक जो है वो आप देख रहे हैं, NT2 ब्लॉक आपका कंडीशन में, NT2 ब्लॉक काम करता है, NT2 ब्लॉक आपका काम करना चाहिए, ठीक है। ये जितना भी आपका स्लिंग्स है ये लुब्रिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये स्लिप्स देखें, ये स्लिप्स है, ठीक है, इधर देखें, ये स्लिप्स है, जो स्लिप्स में जो है ये डैमेज क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए, ये जो क्रैकिंग है ना, ये क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्रैकिंग है तो एट द टाइम ऑफ द लिफ्टिंग द माइट बी द स्लिप हो सकता है, ठीक है। ये आपका हुक ब्लॉक है, ये हुक है, हुक पे भी मेंशन होना चाहिए कितना है, ये 25 टन है, ये 25 टन इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, 25 टन। ये हुक लैचेस है, देखें, ये स्प्रिंग प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं,
अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ये लॉक नहीं है अगर, तो फिर समझे कि एट द टाइम ऑफ द लिफ्टिंग हैविंग द चांस टू स्लिप द मटेरियल, है ना, ऐसा ही है ना। ठीक है, ये मेन हुक ब्लॉक ये है और ये आपका ऑक्सिलरी हुक है। ठीक है, इस पर भी मेंशन आपका ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, सेफ जो आपका SLE है, सेफ लिफ्टिंग इंडिकेटर है, वो काम करता है सेफ लिफ्टिंग इंडिकेटर काम है। आपका कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर पे वो काम करता है, पूरा जितना डिस्प्ले है आपका, कितना एंगल है, कितना रेडियस है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपका जो लिफ्टिंग प्लान हो सकता है, ठीक है, जब एज ए बेंग सेफ्टी ऑफिसर अगर आ रहे हैं तो वो चेक करें कि लिफ्टिंग प्लान है कि नहीं, इस तरह से करें, इस तरह से तो उसमें आ रहा था। इस तरह से तो आपका लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए, ठीक है, लिफ्टिंग प्लान पे सब मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए, चेकलिस्ट फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, और आपका लिफ्टिंग कैलकुलेशन शीट होनी चाहिए। लिफ्टिंग कैलकुलेशन शीट में टोटल आपका कितना बूम लेंथ है, कितना एंगल है, कितना रेडियस है, कितना लोड है, कितना मैक्सिमम लोड है, वो टोटल आपका मेंशन होना चाहिए। ये टैग लाइन है, ये आपका टैग लाइन होना चाहिए, और ये पार्ट लाइन है, ठीक है, ये पार्ट है। हर इंच कितना है कैपेसिटी है एक रोप का, 8 टन, 4 टन, 4 टन, कितना पार्ट लाइन है इसमें, 4 है, तो 4 का कितना हुआ, 18 टन ये कैपेसिटी आप कर सकते हैं। और देखें यहाँ पे लिफ्टिंग का ये लुब्रिकेटेड नहीं है, लुब्रिकेटेड होना चाहिए, देख रहे हैं ना, लुब्रिकेशन नहीं है तो ये स्लिप होने का चांसेस है। ठीक है, आपका एनीमोमीटर काम करता है, वो भी चेक करें कि आपका वो मतलब नहीं है तो आप पोर्टेबल दूसरा है उससे आप यूज करके कर सकते हैं। कंप्यूटर पे स्क्रीन पे टोटल काम कर रहा है, मैनुअल है, जब आप लोड लिफ्ट करते हैं तो वो क्या आप एक्सटर्नल कोई भी आप काउंटर वेट रखते हैं, काउंटर वेट अगर ज़रूरत है, मैनुफैक्चरिंग बोला है काउंटर वेट तो रखेंगे, नहीं है इनबिल्ड है तो रखने की ज़रूरत नहीं, जो कैपेसिटी है उतना ही उठाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, आपके लिए भी स्पेशली, क्योंकि आप कंपिटेंट हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपका, क्रेन का होना चाहिए, ठीक है, ये सब इंश्योर कीजिए। अगर जरा सा भी हाइड्रोलिक लीकेज या कोई भी आयल लीकेज है, कोई भी आपका ब्रेकिंग लाइट है वो है, लेकिन लाइट भी होनी चाहिए, ठीक है, कि जो आपका जब भी आप मूव कर रहे हैं, जब भी ऑपरेशन में है तो वो लाइट ऑपरेशन में होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये मेक श्योर करें तभी आप क्रेन ऑपरेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।